हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट लवर्स ड्रीम इलेवन एनालिसिस में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंग्लिश टी20 ब्लास्ट के मैचेस की। तो हम अभी बात करेंगे मिडिल सेक्स वर्सेस सर्रे के मैच की। बाकी के दो मैचेस और हैं, यॉर्कशायर वर्सेस डरहम और लैंकशायर वर्सेस वर्विकशायर की। तो इनके दो वीडियोज मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगी कैनेडा टी20 का जो मैच है आज का, उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, सबसे पहले स्क्वाड की बात करेंगे, प्लेइंग इलेवन की बात करेंगे, प्लेयर न्यूज़ की बात करेंगे और साथ में ड्रीम इलेवन टीम की भी बात करेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्रिकेट लवर्स को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन जो मैं अपडेट करता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो गाइज, यहाँ पे हम बात कर रहे थे मिडिल सेक्स वर्सेज सर्रे के मैच की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ड्वेन ब्रावो मिडिल सेक्स की टीम से जुड़ चुके हैं, तो वो विनीपेग हॉक्स से नहीं खेलेंगे, जो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो प्लीज़ विनीपेग हॉक्स में मत लेना उन्हें, आज वो ड्वेन ब्रावो मिडिल सेक्स के खेलेंगे क्योंकि वो स्क्वाड में अनाउंस है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम स्क्वाड की तरफ। तो मिडिल सेक्स का स्क्वाड है जो 13 नंबर का स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है। इसमें डेविड मिलर उनके कैप्टन है और जॉन सिम्पसन उनके विकेट कीपर है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ड्वेन ब्रावो को यहाँ लिया गया है, हिल्टन कार्टराइट है, इसकी नजई है, जेम्स फुलर है, निक गिबिन्स है, जेम्स हैरिस हैं, इसके बाद यहाँ पे टॉम हेल में, रवि पटेल, जॉर्ज स्कॉट, सिम्पसन, नाथन साउटर और पॉल स्टर्लिंग। तो मैं बता दूँ थोड़ा थोड़ा, डेविड मिलन को आप सभी जानते हैं, इंग्लैंड के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। ड्वेन ब्रावो को भी आप सभी जानते हैं। हिल्टन कार्टराइट को एस्टन एगर थे इनके स्क्वाड में, इसलिए एस्टन एगर जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे हैं अभी ट्राई सीरीज़ में, इसी वजह से हिल्टन कार्टराइट को लिया गया जो जुलाई के मिड तक खेलेंगे। और यहाँ पे बात करें इसकी नजई, ये भी एक अच्छे बैट्समैन है और इनका भी खेलना है इसमें, प्लेइंग इलेवन में लगभग ही खेलेंगे। जेम्स फुलर के बारे में बता दूँ तो एक लगभग ऑलराउंडर की तरह खेलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इकनॉमी भी इनका अच्छा है और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा है। निक गिबिन्स को आप सभी जानते हैं, अभी इंग्लैंड से खेल रहे थे, इंग्लैंड ए से खेल रहे थे, जिसमें इंडिया के खिलाफ इन्होंने मारे थे 108 109 रन और इसके बाद फ्लॉप ज़रूर हो गए, लेकिन बड़े प्लेयर हैं। इसका जेम्स हैरिस के बारे में मैं बता दूं, ये खेलेंगे भी नहीं इस मैच को, लगभग तय है कि ये नहीं खेलेंगे इस मैच को, बाकी इनके बारे में इतनी न्यूज़ नहीं मिल पाई। इसका टॉम हेल में जो कि काफ़ी अच्छे बॉलर है, रवि पटेल स्पिनर बॉलर है, जॉर्ज स्कॉट के भी चांस नहीं बनते इस मैच में को खेलने के, जॉन सिम्पसन जो कि विकेट कीपर है, साउटर सबसे अच्छे स्पिनर हैं इनकी प्लेयर इनकी टीम के, और पॉल स्टर्लिंग है। तो यहाँ पे 13 नंबर के स्क्वाड में जेम्स हैरिस और जॉर्ज स्कॉट के चांसेस कम है सबसे ज़्यादा, बाकी ये पार्की के प्लेयर खेलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सर्रे का स्क्वाड की। सर्रे के स्क्वाड में बता दूँ कि डन बैच जो है वो कैप्टन है इनकी टीम के, फिर जॉर्ज बैटी हैं जो कि स्पिनर बॉलर हैं, जब लगभग 40 साल के बॉलर हैं और अच्छे स्पिनर हैं इनकी टीम के, बोथविक भी एक स्पिनर है और एक ऑलराउंडर के रूप में मिलेंगे आपको, जो कि ऑलराउंडर में ड्रीम इलेवन में भी इन्हें दिया गया है। रोरी बंस है जो कि तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, रिकी क्लार्क सबसे अच्छे ऑप्शन इनके प्लेयर हैं जो कि माना जाए, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ये बीच के मिडिल ऑर्डर में आते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका देखने को मिला था लास्ट ईयर। इसके बाद जेनी डन है जो कि एक फास्ट बॉलर है, बेन फोक्स को आप सभी जानते हैं विकेट कीपर हैं, विल जैक्स हैं एक ओपनर प्लेयर है, मॉर्नी मोरकल सभी जानते हैं आप, रवि पटेल रियान पटेल हैं जो कि एक शायद स्पिनर बॉलर हैं या फिर फास्टर बॉलर हैं, ये मैं भूल गया हूँ, बाकी फिलहाल से एक अच्छे ऑप्शन है यहाँ पे। ओली पॉप है, स्मिथ का मैं बता दूँ ये एक यंग प्लेयर है जो इसी साल इनका स्क्वाड में अनाउंस हुआ है और ये भी एक विकेट कीपर है, तो जिस बेन फोक्स के खेलने की वजह से इनके चांस बिल्कुल नहीं रहते कि ये मैच ये खेलेंगे। फिर ब्रेंडन बर्क का मैं बता दूँ एक शायद स्पिनर बॉलर है और काफ़ी अच्छा, लगभग 3 का इकोनॉमी से बॉल फेंक रहे हैं, मतलब एक टी20 में 3 के इकोनॉमी से बॉल फेंकना बहुत बड़ी बात होती है, तो चांसेस बनते हैं ब्रेंडन बर्क के। तो यहाँ पे मैं बता दूँ किसके बिल्कुल ना खेलने के चांसेस है, इसमें से इनका चांस नहीं है खेलने का बिल्कुल भी, और बाकी मैं आपको और डन का भी चांस लगता है कि नहीं खेलेंगे। अगर एक फास्ट बॉलर के साथ जाती है तो रयान पटेल जो कि स्पिनर है इनकी जगह खेल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्लेइंग इलेवन की साइड। तो प्लेइंग इलेवन की बात करें तो मिडिल सेक्स की प्लेइंग इलेवन हो सकती है, पॉल स्टर्लिंग ओपनिंग करेंगे डेविड मिलन के साथ, निक गिबिन्स भी कर सकते हैं ओपनिंग, इसका स्नेक जय चौथे पे आएंगे, कार्टराइट पांचवे पे, सिम्पसन आएंगे, फिर साउटर आएंगे, फुल्लर आएंगे, डीजे ब्रावो हैं, डीजे ब्रावो को आप ऊपर बैटिंग करने आएंगे, वो नीचे गलती से हम उससे लग गया है, उसका रवि पटेल है और टॉम हेल्म है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि फुल्लर की जगह या तो चेंज हो सकता है, हैरिस को लाया जाए, वैसे चांसेस कम है, फुल्लर ही खेलेंगे। तो ये हो गई प्लेयर्स। आप सुर्रे की प्लेइंग इलेवन बात करें तो जैक्स हैं, बैटी हैं, रोरी बंस हैं, फोक्स हैं, रिकी क्लार्क हैं, बोथविक हैं, पॉप हैं, फिलंस हैं, डनबैक हैं, रियान पटेल और वेंडर बर्ग में से कोई एक खेलेगा जिसमें से वेंडर बर्ग के ज़्यादा चांसेस हैं और मॉर्नी मोरकल के। और अगर हो सकता है कि फिलंस को ना खिलाया जाए और वेंडर बर्ग को यहाँ पे खिला दिया जाए और रियान पटेल की जगह खिला दिया जाए डन को, तो ये दो पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं इनकी टीम में। तो
तो यहाँ हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो लास्ट ईयर इन दोनों के बीच में दो मैचेस खेले गए थे, वो भी लंदन की पिच पे। तो पहले हम पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ये मैच खेला जा रहा है लंदन में, और लंदन की लास्ट मैच जो खेले गए थे इन दोनों के बीच में ही, उसमें स्कोर गया था 150 से 160 के लगभग, जिसमें एक मैच मिडिल सेक्स ने जीता था और एक मैच सुर्रे ने जीता था। इसके बाद पिच रिपोर्ट की बात मैंने आपको बता दिया, दोनों मैच लंदन में खेले गए थे और पिच दोनों के लिए, बैटिंग और बॉलिंग के लिए दोनों के लिए अच्छे, लगभग 7-8, 8-9 विकेट दोनों मैचों में गिरे थे। इसका लास्ट ईयर के दो मैचेस जो खेले गए थे इन दोनों के बीच में, स्कोर लगभग 150 और 160 के बीच में गया था, दोनों तरफ से 7 से 8 विकेट निकले थे। इसके बाद प्लेयर न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ कि कार्टराइट आए हैं एस्टन एगर की जगह। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है पिच रिपोर्ट की, प्लेइंग 11 की, अब चलते हैं हम ड्रीम 11 टीम की साइड। तो गाइज एक बार और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक दे दीजिए चैनल के लिए और वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है जानकारी निकालने के लिए सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे मिडिल सेक्स वर्सेस सर्रे के मैच की, तो बेन फोक्स को यहाँ पे सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे, जो कि बहुत अच्छे खेलते हैं। आप जॉन सिम्पसन के साथ भी ले सकते हैं, पर काफ़ी नीचे बैटिंग करने आएंगे। उसका जेमी स्मिथ का कोई चांस नहीं है और रॉबी वाइट नहीं है क्या बोलते हैं मिड स्क्वाड में। इसके बाद यहाँ तीनों ही प्लेयर स्क्वाड में नहीं है, निक मेडिसन स्क्वाड में नहीं है, मार्क स्टोनमैन स्क्वाड में नहीं है, फिर यहाँ पे मैंने डेविड मेलन और रोरी वंस को ले रखा है। फिर नीचे आए तो आप ओली पॉम्प ले सकते हैं, इनको मत दीजिए, स्क्वाड में नहीं है, ये भी स्क्वाड में नहीं है। फिर आपके पास यहाँ पे मैंने हिल्टन कार्टराइट ले रखा है, आप निक गिवेंस को ले सकते हैं और विल जैक्स को ले सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो आप इसकी नज़ी को ले सकते हैं, बाकी ये तीनों स्क्वाड में नहीं है और ये भी स्क्वाड में नहीं है। तो गाइज आपको मैंने बता दिया कि आप आई होप समझ गए होंगे बैट्समैन में कौन किसको लेना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं जेम्स फ्रेंकी को मत लेना, स्क्वाड में नहीं है। कुछ मैंने चैनल्स पे देखा जेम्स फ्रेंकी बता रहे हैं कि ले लीजिए। और सैम क्यूरान का मैं बता दूं, बिग न्यूज़ ये है कि सैम क्यूरान अवेलेबल है और ये मैच खेलेंगे, क्योंकि उनको अलग से परमिशन दी गई है। और साथ में मैं बता दूं कि प्लेइंग स्क्वाड में ज़रूर नहीं है, बस सैम क्यूरान टीम में अवेलेबल है, जैसे कि कल मैंने बताया था जैक बॉल अवेलेबल है और खेले भी थे वो। इसका यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं सैम क्यूरान का, स्कॉट बॉथविक का, आप यहाँ पे देख लीजिए, भले ही सैम क्यूरान को मात्र 9% लोगों ने लिया, तो आप इन्हें ग्राइंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन है एस्टन एगर स्क्वाड में नहीं है, एंड्रयू वाइट स्क्वाड में नहीं है, वैंडर बर्ग पे ले सकते हैं, फिलंस पे ले सकते हैं, जॉर्ज स्कॉट स्क्वाड में तो है पर चांसेस थोड़े कम है। अगर हम वैंडर बर्ग पे देखें तो मात्र 5% लोगों ने लिया है, आप इन पे भी रिस्क उठा सकते हैं ग्रैंड लीग में। इसके बाद मैथ्यू पिलन की बात करें तो इन पे भी आप रिस्क उठा सकते हैं ग्रैंड लीग में। ये कुछ प्लेयर हैं जिन्हें ग्रैंड लीग पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बॉलिंग में बात करें तो मैंने लिए हुए मॉर्नी मॉर्कल और डनबैक, यहाँ टॉम क्यूरन स्क्वाड में नहीं है, स्टीवन स्मिथ स्क्वाड में नहीं है, जॉर्ज बैटी ले सकते हैं आप यहाँ पे, ये स्क्वाड में नहीं है, जेम्स फुलर ले सकते हैं आप। इसके बाद टॉम हेल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं और नाथन साउटर लिए हुए हैं, बाकी नीचे के ये चारों प्लेयर स्क्वाड में नहीं है, ठीक है, ये भी स्क्वाड में नहीं है। रवि पटेल हैं स्क्वाड में, आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं, और जेम्स हैरिस को रिस्क मत लीजिए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, रयान पटेल पे भी थोड़ा रिस्क मत लीजिए तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, बाकी ये स्क्वाड में नहीं है और ये थोड़े रिस्की प्लेयर हैं, रयान पटेल की जगह खेल सकते हैं। और स्टुअर्ट मीकर यहाँ पे हैं जो कि क्या स्क्वाड में नहीं है। तो गाइज ये हो गई टीम। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो ड्वेन ब्रावो को मैंने कैप्टन चूज़ किया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कैनेडा टी20 लीग में काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, इसी वजह से कैप्टन चूज़ किया, और बॉलिंग लगभग बॉलिंग पिच है इसी वजह से मैंने इनको कैप्टन चूज़ किया। बाकी पॉल स्टर्लिंग ओपनिंग करेंगे और बॉलिंग करते ही हैं, इसलिए मैंने यहाँ वाइस कैप्टन चूज़ किया। आप रिकी क्लार्क को यहाँ ले सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, और डेविड मलन को ले सकते हैं, बेन फोक्स भी एक अच्छे ऑप्शन होंगे, रोरी वंस जो थर्ड नंबर पर बैटिंग करने आएंगे वो भी अच्छे ऑप्शन होंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना, मैंने आपको लगभग पूरी प्लेइंग 11 बता दी है। तो गाइज आई होप इससे आप एक अच्छी टीम बना पाएंगे और एक अच्छा विन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।